फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आइडियोलाइफ सिस्टम्स और एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ एडब्ल्यूएस के कोर नेटवर्किंग कंपोनेंट के बारे में ठीक है एंड इनफैक्ट नॉट अबाउट ए ये जो नेटवर्किंग के कोर कंपोनेंट है ये आप किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग में किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के क्लाउड में काम करने जाएंगे तो सभी जगह ये कंसेप्ट सेम रहेंगे ओके okay? कुछ टर्म्स हो सकता है कि चेंज हो जाए जैसे आपका वीपीसी हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो सकता है कि आप किसी दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर के पास अगर काम करने जाएंगे तो उसके सर्विसेज में से वीएनसी या वीसीएन बोल देंगे लेकिन जो कंसेप्ट होगा इसका वो एग्जैक्टली सेम होगा ओके okay? अगर हम बात करें सबनेट्स की साइडर की आईपी एड्रेसिंग की गेटवेस की ये सारे कंसेप्ट जो होंगे अक्रॉस द ऑल द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स सेम रहेंगे ओके okay? तो वीपीसी अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक किसी भी क्लाउड सर्विसेज का सबसे कोर कंपोनेंट अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो वो होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ओके तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता क्या है ठीक है तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सबसे पहले अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ भी कॉन्फिग्रेशन ले जा रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करना होता है ठीक है नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज वीपीसी वीपीसी होता क्या है ओके okay, तो अगर मैं इस डिस्कशन को एक्सटेंड करूं जो हमारा इनिशियल सेशन था डेटा सेंटर के ऊपर ठीक है तो उसमें मैंने बात करी थी ट्रेडिशनल डेटा सेंटर के बारे में तो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर हमारा क्या होता है कि एक हम एक ऐसा डेटा सेंटर होता है जिसको कि हम खुद ओन करते हैं मतलब कि हमारी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होती है जहां पर हमारे सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कॉन्फिगर होते हैं उसकी उस बिल्डिंग की एक सिक्योरिटी होती है ठीक है तो वो सारा अरेंजमेंट क्या करते हैं हम करते हैं एंड हम एश्योर होते हैं कि ठीक है हमारी उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर है राइट तो लेकिन अगर हम क्लाउड की बात करें जहां पर क्लाउड में क्या होता है कि आपका एक कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है और एक हमारे पास एक सेंटर है। है? हम डेटा सेंटर है ठीक है जो कि कि हम बोलते हैं क्लाउड डेटा सेंटर है अब क्लाउड डेटा सेंटर में क्या होता है कि मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं ठीक है किसी एक क्लाउड डेटा सेंटर या फिर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास मल्टीपल कस्टमर्स है अगर मैं ट्रेडिशनल डेटा सेंटर की बात करूं तो हमें पता है कि हमारा एक डेडिकेटेड डेटा सेंटर है ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है राइट बट क्लाउड में तो मल्टीपल कस्टमर्स है राइट तो मल्टीपल कस्टमर है तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर का जो डेटा होगा या फिर डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के जो रिसोर्सेज होंगे वो आइसोलेटेड कैसे होंगे वो सेग्रीगेट कैसे होंगे राइट बिकॉज जस्ट लाइक ए ट्रेडिशनल डेटा सेंटर अगर हम क्लाउड की ओर मूव कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन सेम होती है कि हमारा जो एक जैसे ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है सिक्योर वैसा ही हमारा जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज या हमारा डेटा है क्लाउड में वो सारा वैसे ही प्रोटेक्टेड रहे जैसे एकदम भी आइसोलेटेड फॉर्म में ठीक है तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो कस्टमर्स होते हैं ओके okay, उनके जो रिसोर्सेज होते हैं या फिर उनका जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आइसोलेटेड करने के लिए मतलब एक कस्टमर के रिसोर्सेज रिसोर्सेज को दूसरे कस्टमर के resources से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि हर कस्टमर का एक वीपीसी क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड तो वर्चुअल प्राइवेट क्या हो, क्या होता है दिस वर्चुअल नेटवर्क क्लोजली रिसेम्बल्स अ ट्रेडिशनल नेटवर्क दैट यू वुड ऑपरेट इन यर ओन डेटा सेंटर तो ये क्या हुआ एक्जेक्टली exactly आपका वही सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा जो आपके ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में होता है डिफरेंस क्या है कि ये कहां पर होगा क्लाउड में होगा ठीक है तो ये क्या करेगा कि एक कस्टमर के रिसोर्सेज को दूसरे कस्टमर के रिसोर्सेस से लॉजिकली आइसोलेटेड कर देगा ठीक है तो मतलब एक कस्टमर जो है वो दूसरे कस्टमर के वीपीसी में या रिसोर्सेज में इंटरफेयर नहीं कर पाएगा ठीक है तो विथ एमेजन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड

सिक्योरिटी लेयर होगी जिसके अंदर आप आपने सारे रिसोर्सेस कॉन्फिगर करेंगे ठीक है और एमेजोन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो होता है इट्स ए रीजन स्पेसिफिक ठीक है रीजन के बारे में हमने पहले और दूसरे वीडियो में डिस्कशन किया था कि रीजन होते क्या है ठीक है तो वीपीसी क्या होता है ये रीजन स्पेसिफिक होता है ओके दैट मीनस कि अगर आपके पास मल्टीपल रीजन हैं ठीक है मल्टीपल रीजन कम होंगे आपके पास सपोज आपका एक डेटा सेंटर है प्राइमरी डेटा सेंटर है एक आपने डीआर कॉन्फिगर किया है ठीक है तो प्राइमरी डेटा सेंटर आपका एक रीजन में है डीआरफ के दूसरे रीजन में है राइट तो दैट मीनस कि आपका जो वीपीसी होगा वो कंप्लीटली क्या होगा डिफरेंट होगा सारे रीजन का जो वीपीसी होता है वो आइसोलेटेड होता है मतलब कि स्पेसिफिक टू सिर्फ रीजन ही होता है ठीक है एग्जाम्पल के अगर आप ये देखते हैं ठीक है इसमें क्या है कि हमारे पास एक रीजन है यूएस ईस्ट टूस का कोड है रीजन कोड है और ये हमारा कौन सा डेटा रीजन है यूएस ईस्ट ओहिओ का है राइट अब इसके अंदर हमारे पास क्या है तीन अवेलेबिलिटी जोन हैं जिनके नाम आप देख रहे हैं टू ए टू बी और टू सी करके हैं ठीक है अब ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन हमारे क्या है एक बीपीसी के अंदर है राइट सो दैट मीन्स जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग में कॉन्फिग्रेशन ले जा रहे हैं क्लाउड पे काम करने जा रहे हैं सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करते हैं रीजन ठीक है कौन से रीजन में आपने अपने जो रिसोर्सेस हैं वो कॉन्फिगर करने हैं ठीक है जब आपने रीजन सेलेक्ट कर लिया उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या होगा आपको वीपीसी कॉन्फिगर करना होगा जब वीपीसी कॉन्फिगर हो जाएगा उसके बाद ही आप सारे रिसोर्सेज वीपीसी के अंदर कॉन्फिगर कर सकते हैं ठीक है अब सपोज करो कि एक दूसरा रीजन है आपके पास यूएस ईस्ट टू वाला है जो कि यूएस ईस्ट में ही है नॉर्थ वर्जीनिया ठीक है अब ये क्या है एक डिफरेंट रीजन है तो ये दोनों रीजन आपस में क्या होंगे बिल्कुल ही आइसोलेटेड होंगे मतलब कि जो रीजन वन का वीपीसी होगा ओहियो का जो वीपीसी होगा और जो वर्जीनिया का वीपीसी होगा कंप्लीटली आइसोलेटेड होंगे ठीक है इनको आप कनेक्ट कर सकते हो ठीक है कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके एस पे जिसके बारे में हम अगले कुछ सेशन में पढ़ेंगे ठीक है जिसे हम पेयरिंग बोलते हैं तो आप पियरिंग के थ्रू आप रीजन को कनेक्ट कर सकते हो आपस में और कनेक्ट करने का रीजन क्या होता है कि भाई आपका सपोज करो की प्राइमरी डेटा सेंटर जो है ओहियो में है और आपका डीआर वर्जीनिया में है ठीक है या फिर आपके कोई और डिफरेंट क्लाइंट जो है वो दूसरे रीजन में है डी नहीं भी है तो बहुत सारे क्लाइंट आपके सपोज कोई दूसरे रीजन में है और आपको कुछ डेटा जो है वो ट्रांसफर करना है एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर करना है तो उससे क्या करते हैं कि हम एक पेयरिंग क्रिएट कर देते हैं पेयरिंग क्या होती है आपका एक वीपीसी को दूसरे वीपीसी से कनेक्ट करता है उनके बीच में कम्युनिकेशन अलाउ कर देता है ठीक है कम्युनिकेशन अलाउ करने के बाद क्या है कि हम डेटा जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में मतलब कि एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी में भेज सकते हैं तो ये क्या है कि एक पेयरिंग होती है जिसको हम अगले कुछ सेशन में डिस्कशन करेंगे ठीक है ना अगर हम एक वीपीसी क्रिएट करने जा रहे हैं तो वीपीसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या क्या डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं और इन पैरामीटर्स को समझना बहुत ही जरूरी है बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि ये क्या है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्किंग का एक बेस है अगर आप फ्यूचर में कोई भी रिसोर्स आप कॉन्फिगर करेंगे ठीक है वो रिसोर्सेस इसी कैलकुलेशन के बेस पे होंगे जो कि जब आप डिफाइन करोगे जबकि आप एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या वीपीसी आप क्रिएट करते हो ठीक है तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको कंप्लीट ऑप्शंस डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जब आप वीबीसी क्रिएट करते हैं तो आपको कौन कौन से ऑप्शन पूछेगा किस ऑप्शन का क्या मतलब है और कहां पर आपको क्या इनपुट देनी है और क्यों देनी है ठीक है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस स्लाइड को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और इसको बिल्कुल ढंग से सुनिए ठीक है थीके? एक एक ऑप्शन को जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ठीक है तो जब भी आप एडब्ल्यू पे वीपीसी क्रिएट करने जाएंगे जब भी आप एक न्यू वीपीसी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल के आएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन क्या क्या होते हैं सबसे पहला क्या होगा आपको पूछेगा ऑप्शन वीपीसी वीपीसी एंड मोर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको वीपीसी वीपीसी एंड मोर वीपीसी क्या करेगा एक सिंपल वीपीसी बना देगा ठीक है और अगर हम वीपीसी एंड मोर लेते हैं तो हमारे वीपीसी के अंदर और भी बहुत सारे कॉन्फिग्रेशन होते हैं भाई हमें वीपीसी के अंदर करना क्या है हमको अपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है और आपके बहुत सारे रिसोर्सेस कॉन्फिगर करने हैं राइट तो अगर आप वीपीसी लेते हैं तो एक प्लेन वीपीसी बनेगा और बीपीसी क्रिएट करने के बाद जो ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ये सारे आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने होंगे वन बाय वन ठीक है और अगर आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ बीपीसी जब आप बीपीसी क्रिएट कर रहे हैं उसी समय ये ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द कॉन्फिगरेशन विजार्ड बाकी सारे रिसोर्सेज भी ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर कर दे और जो कि एक रिकमेंडेड ऑप्शन भी है ठीक है तो आपको लेना है वीपीसी एंड मोर तो मैं आपको जो डोबी डेमो शो करूंगा आगे वो वीपीसी एंड मोर में ही शो करूंगा क्योंकि ये मोर फ्लेक्सिबल वे है आपका वीपीसी क्रिएट करने का ठीक है तो पहले ऑप्शन हम क्या लेंगे वीपीसी एंड मोर सेकेंड आपका है नेम टैग ऑटो जनरेशन नेम टैग क्या होता है कि अगर आपको सपोज करो वीपीसी को आप कोई भी एक नेम दे दीजिए ठीक है और ये क्या होगा नेम टैग हो गया मतलब उस वीपीसी में फिर आप जो भी रिसोर्सेस क्रिएट करेंगे जैसे आपकी क्या होता है इसके अंदर हम सबनेट क्रिएट करते हैं ठीक है सबनेट क्रिएट करते हैं या फिर और भी कोई भी रिसोर्सेस गेटवेज है सिक्योरिटी ग्रुप्स है बहुत सारी चीजें हम कॉन्फिगर करते हैं जब हम जब हम कॉन्फिगर करते हैं तो जो भी आपका टैग होगा जो टैग हम यहाँ पर देंगे वो ऑटोमेटिकली टैग क्या होगा हर एक रिसोर्सेज के नेम में अटैच हो जाएगा जिससे क्या होता है कि आपका रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा बिकॉज क्लाउड में क्या होता है कि बहुत बहुत बार हम कई कस्टमर्स मैनेज करते हैं या फिर एक एक कस्टमर के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं मल्टीपल वर्चुअल मीम्स होती है मल्टीपल डेटाबेस होते हैं मल्टीपल स्टोरेज होती है मल्टीपल एप्लीकेशन होती है तो वहां पर अगर आपको कभी उस कस्टमर के रिसोर्सेज सर्च कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर टैग को डाल करके सर्च कर सकते हैं जिससे क्या करेगा ये इस टैग के बेस पे उसके जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो आसानी से सर्च कर पाएगा ठीक है इसके बाद ऑप्शन होता है साइडर ब्लॉक साइडर क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंसेप्ट है नेटवर्किंग में ठीक है ये होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग ठीक है तो बेसिकली इसका फंडा क्या होता है मैं बताता नेक्स्ट सेशन में एक डिटेल सेशन एक्सप्लेन करने वाला हूं बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में इसकी जो कैलकुलेशन होती है ठीक है बट इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत बेसिक सा फंडा बता रहा हूँ कि साइडर का मतलब होता क्या है तो आप यहाँ पर सिंपल ये समझिए हमारे वीपीसी के अंदर हम क्या करते हैं वर्चुअल मशीन को करते हैं राइट तो वर्चुअल मशीन है वर्चुअल मशीन को आईपी देना है राइट आईपी प्रोवाइड करना होता है तो साइडर ब्लॉक क्या होता है एक तरह का एक ग्रुपिंग होती है आईपी एड्रेसेस की ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर हमें कितनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है

चाहिए ठीक है या फिर मुझे 100 मशीन चाहिए और मैं 50 या 100 का बफर लेके बोल रहा हूँ मुझे 200 चाहिए तो साइडर ब्लॉक में मैं क्या करूंगा स्पेसिफाई करूंगा कि मुझे इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर ठीक है कितने वर्चुअल मशीन चाहिए मतलब कितने आईपी चाहिए ठीक है तो ये कंसेप्ट हो गया साइडर ब्लॉक का अब उसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास दो तरह के आईपीज होते हैं आईपीवी फोर एंड आईपीवी सिक्स ओके okay, हो सकता है कि तुम्हें तो इसका आइडिया हो और नहीं भी है तो मैं बता दूं आपको आई आईपीवी फोर क्या होता है जनरिक आईपी एड्रेस जो हम आजकल यूज करते हैं हमारी सारी डिवाइस में होता है हमारे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो कि आपकी इंटरनेट से कनेक्ट होती है नेटवर्क से कनेक्ट होती है ओवर द पब्लिक नेटवर्क ठीक है इसमें क्या होता है कि हर एक मशीन को एक आईपी एड्रेस मिलता है राइट और पर्पस क्या होता है इसका टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी डिवाइस और मशीन इंडिपेंडेंटली यूनिकली ठीक है तो क्या होता है कि आपको आ, हमको कोई भी डिवाइस अगर नेटवर्क में अगर आइडेंटिफाई करनी है ठीक है तो उसमें एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है राइट और अगर मैं पब्लिक नेटवर्क या इंटरनेट की बात करूं तो हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए ताकि आपस में कोई क्लैश ना हो डेटा एक्सचेंज में राइट तो आईपीवी फोर क्या है मोस्ट जनरिक आपका जो फॉर्म है आईपी एड्रेस असाइनमेंट का वो है ठीक है और आज की डेट में हमारे जितने भी आईपीवी फोर एड्रेसेस पॉसिबल हो सकते हैं कॉम्बिनेशन वो काउंट क्या है ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है और अब क्या है कि उसके बाद हमारा नया जो आईपी एड्रेसिंग स्कीम आ रही है वो है आईपीवी सिक्स ठीक है अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो सेशन बनाऊंगा जिसमें एक एक्सप्लेन करूंगा कि आईपीवी फोर क्या है आईपीवी सिक्स क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है बट अब एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि आपको आईपी एड्रेस असाइन करना है ठीक है और उसमें आपको लेना है कि आपको आईपीवी फोर एड्रेस असाइन करने हैं या आईपीवी सिक्स के बेसिस पे आपको आईपी एड्रेस असाइन करने हैं ठीक है उसके बाद आएगा टेनेंसी टेनेंसी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है जो जिसके जिसपे आपकी क्या होती है कि बिलिंग भी डिपेंड करती है

इससे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है मतलब अगर आपका एक ही कस्टमर का डेटा या फिर मल्टीपल कस्टमर का डेटा अगर एक ही सर्वर में एक ही वर्चुअल मशीन में है तो उससे क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी रिसोर्सेज मतलब जितने भी वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर रहे हैं वो सारे आपके एक डेडिकेटेड सर्वर में क्रिएट हो मतलब एक सर्वर ऐसा हो जिसमें कि वर्चुअल मशीन आप शेड नहीं कर रहे हैं सिर्फ आपकी ही डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन उस सर्वर पे क्रिएट हो तो आपको टेनेंसी में ऑप्शन लेना है डेडिकेटेड तो ये क्या करेगा कि आपके लिए एक डेडिकेटेड सर्वर बनाएगा और उसी पे आपके सारी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा अगर आप डिफॉल्ट लेते हो तो इस केस में क्या होगा जो भी आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगी वो एक ऐसे सर्वर पर क्रिएट करेगी जिसपे बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स होंगी और वो सारी वर्चुअल मशीन क्या होगा मल्टीपल कस्टमर्स के बीच में शेयर होगी ठीक है तो वो शेयर मॉडल हो गया तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी अगर आप डेडिकेटेड मॉडल ले लेते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि आप एक डेडिकेटेड सर्वर ले रहे हैं ठीक उसके बाद का ऑप्शन होता है नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन के बारे में हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था राइट जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि रीजन क्या होते हैं अवेलेबिलिटी जोन क्या होती है लोकल जोन क्या होती है तो अवेलेबिलिटी जोन क्या होती है एक इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर होते हैं विद इन ए रीजन ठीक है सपोज करके मैंने मुंबई रीजन दिया तो मुंबई रीजन में अगर मैं कहूं मेरे पास तीन अवेलेबिलिटी डोमेन है तो उसका मतलब यह है कि मुंबई के अंदर मेरे तीन डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं ठीक है यह क्या है कि एक इनहेंस लेयर ऑफ अवेलेबिलिटी है क्लाउड में अदरवाइज क्या होता है ट्रेडिशनल में क्या होता है आपका एक सिटी के अंदर या फिर एक रीजन के अंदर एक ही डेटा सेंटर होता है ठीक है यहाँ पर क्या है कि हमारा क्या है कि अवेलेबिलिटी जोन का मतलब होगा कि एक ही रीजन के अंदर आपके मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए ठीक है तो अगर मैं सपोज कि मेरे पास मुंबई जोन है और मुंबई के अंदर मैं कह रहा हूँ मेरे पास तीन अवेलेबिलिटी जोन है ठीक है तो हो सकता है कि आपको दो वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है या फिर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है या फिर मल्टीपल क्रिएट करनी है तो फर्दर लेवल ऑफ हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे कि जब भी आप अपना आगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पर आप क्या आप कर सकते हैं आप अवेलेबिलिटी जोन को कस्टमाइज कर सकते हैं मतलब जब भी आप कोई सर्वर क्रिएट कर रहे हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं ठीक है तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट कर सकते हैं सो दैट की अगर सपोज करो कि अगर मैं कह रहा हूं मुंबई में मेरे पास तीन डेटा सेंटर है ठीक है तो मतलब तीन अवेलेबिलिटी डोमेन है सपोज करो कि एक डेटा सेंटर आपका किसी भी रीजन से क्रैश हो गया ठीक है तो आपके पास मुंबई के अंदर ही दो डेटा सेंटर और भी होंगे जहां पर आपकी एप्लीकेशन या सर्वर्स चलते रहेंगे ठीक है तो ये कस्टमाइजेशन आप जब रिसोर्सेज का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वहां पर दे सकते हो कि आपको कौन सा रिसोर्स किस अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट करना है ठीक है उसके बाद ऑप्शन होता है आपका नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट्स एंड नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट अब पब्लिक और प्राइवेट सबनेट को मैं नेक्स्ट कुछ स्लाइड में डिस्कशन करने वाला हूं बट सबनेट्स क्या होता है सबनेट इज अगेन अ ग्रुपिंग ऑफ आईपी एड्रेसेस ठीक है तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब हम वीपीसी क्रिएट करते हैं तो हम वीपीसी पे भी एक साइडर ब्लॉक का एड्रेस देते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं कि इस वीपीसी के अंदर टोटल कितने आईपीज या फिर कितने वर्चुअल मशीन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं ठीक है और जब मैं बात करूं फर्दर ग्रुपिंग ऑफ वर्चुअल मशीन तो वो क्या होती है वीपीसी के अंदर सबनेट हो जाती है सबनेट का मतलब क्या होता है एक तरह से असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस अब असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस का मतलब क्या हुआ सपोज करो कि मेरे, मैं मैं अपने वीपीसी के अंदर दो सबनेट क्रिएट करता हूं एक मेरा हो सकता है कि प्रोडक्शन का सबनेट हो एक मेरा डेवलपमेंट का सबनेट हो ऐसा ही मेरा एक टेस्टिंग का सबनेट भी हो सकता है एक मेरा क्वालिटी इवायरमेंट का सबनेट हो सकता है तो डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए हो ठीक है अब जब मैं डिफरेंट सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मेरी उसकी रिक्वायरमेंट भी कुछ अलग होगी हो सकता है कि प्रोडक्शन सबनेट में मैं कहूँ मुझे ट्वेंटी मशीन चाहिए डेवलपमेंट प्रोडक्शन डेवलपमेंट सबनेट में मुझे फोर्टी मशीन चाहिए क्वालिटी में कुछ और चाहिए टेस्ट में मुझे कुछ और चाहिए तो हमारा क्या होता है फर्दर हम क्या करते हैं साइड

इंटरनेट uh, से कम्युनिकेशन करना है तो वो वाली मशीन वर्चुअल मशीन आप पब्लिक सबनेट पर बनाओगे और आपकी जो प्राइवेट uh, कुछ ऐसा प्राइवेट डेटा है जहां पर आपकी एप्लीकेशन है कोड है डेटा data है डेटाबेस है वो सारा जनरली क्या होता है प्राइवेट सबनेट में होता है मतलब ऐसे सबनेट में होता है जहां पर ऐसी वर्चुअल मशीन है हैं, जो कि प्राइवेटली कॉन्फिगर्ड है विद दी हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपीस और जो पब्लिक सबनेट होता है वो बना ही पब्लिक के लिए तो वहां पर हमारी पब्लिक अपप्लीकेशन होगी फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई वेब एप्लीकेशन है जिसको हम इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं ठीक है और उस पर हम क्या असाइन करते हैं पब्लिक आईपी असाइन करते हैं सो दैट कि वो इंटरनेट से एक्सेसिबल हो ठीक है तो जब आप वीपीसी क्रिएट करते हो ठीक है तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी यू विल सेलेक्ट मतलब जितने भी आप अवेलेबिलिटी जो सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ही ये पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट का ऑप्शन आपको दे देगा ठीक है फॉर एक्जाम्पल मैंने कहा मैंने अगर दो अवेलेबिलिटी जो ले लिए तो आपके दो यहां पर दो पब्लिक सबनेट बन जाएंगे और दो प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट हो जाएंगे अगर मैंने तीन

अभी मैंने क्या कहा था कि जब हम वीपीसी क्रिएट करते हैं तो हम एक साइडर साइडर ब्लॉक ब्लॉक डिफाइन करते हैं तय करता है कि इस बीपीसी के अंदर हमारी कितनी पीज होंगी या फिर कितनी वर्चुअल होंगी राइट उसके बाद सेकंड लेयर ऑफ ग्रुपिंग मैंने क्या बोली थी सबनेट हम डिफरेंट डिफरेंट सबनेट बनाते हैं फिर हर सबनेट के लिए भी हम क्या करते हैं मशीन आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस सबनेट में कितनी मशीन्स होंगी अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे एक पर्टिकुलर सबनेट में कुछ नंबर काउंट ऑफ मशीन होंगी तो मतलब मुझे वहां पर भी क्या है एक साइडर ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जितने भी मैं सबनेट बना रहा हूँ हर सबनेट के लिए मेरा एक साइडर ब्लॉक जो है वो असाइन होगा ठीक है तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि आप जितने भी सबनेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हर सबनेक्ट के लिए भी आपको एक साइडर ब्लॉक देना होगा और वो क्या तय करेगा वो ये तय करेगा की आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी वर्चुअल मशीन होंगी ठीक है तो जब आप कस्टमाइज करते हैं मतलब कि जब भी आप ये वीपीसी क्रिएट कर रहे हो जहां पर आपने कुछ एक स्पेसिफिक साइडर ब्लॉक डिफाइन किया वीपीसी के लिए उसके बाद जब आपने अवेलेबिलिटी डोमेन सेलेक्ट करी और पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करे ठीक है उसके बाद एक ऑप्शन है कस्टमाइज सबनेट तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा आपका ऑटोमेटिकली जब आप ये वीपीसी क्रिएट करोगे तो जो भी आपने वीपीसी का जो साइडर दिया हुआ है उस साइडर के अकॉर्डिंगली जितने भी आपके सबनेट है उसके लिए वो ऑटोमेटिकली साइडर जो है वो डिसाइड कर लेगा बेस्ड ऑन द द साइडर ब्लॉक दैट यू हैव गिवन फॉर द वीपीसी ठीक है तो उसके बेसिस पर ये ऑटोमेटिकली कुछ साइडर्स जो है वो डिसाइड कर लेगा आपके लिए हर सबनेट के लिए अगर आपको उसको कस्टमाइज करना है कुछ चेंज करना है ठीक है तो उसको आप कस्टमाइज करके उसको चेंज कर सकते हो अदरवाइज इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट फॉर यू अदरवाइज क्या हुआ कि हर सबनेट का साइडर ब्लॉक ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा नेक्स्ट है आपका नेट गेटवेज अब नेट गेटवेज क्या होता है अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि आपके जब भी हम सबनेट्स क्रिएट करते हैं उसमें कुछ आपके पब्लिक सबनेट्स होते हैं कुछ आपके प्राइवेट सबनेट्स होते हैं ठीक है इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी कहां से होती है पब्लिक सब्जेक्ट से होती है ठीक है और जो प्राइवेट सबनेट होते हैं वो इंटरनली होते हैं जहां पर आपके डेटा होता है या फिर अपलिकेशन होस्ट होती हैं ठीक है थीके? वहां पर आपका इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है क्योंकि वहां पर हमारा पब्लिक आईपी नहीं होता है पब्लिक आईपी आपकी कौन सी मशीन को असाइन कर रहे हैं हम लोग जो कि आपका पब्लिक सबनेट में है ठीक है तो अगर किसी भी रीजन से आपके प्राइवेट सबनेट में जो भी आपके वर्चुअल मशीन हैं उनको अगर इंटरनेट से कुछ कम्युनिकेशन करना है मतलब कुछ भी रीजन से अगर उनको कुछ डेटा जो है वो कम्युनिकेट करना है इंटरनेट से ठीक है वो डेटा क्या हो सकता है फॉर एग्जांपल जैसे हमारे क्या होते हैं मैंने बताया हमारे अपलिकेशन और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं प्राइवेट सबनेट के मशीन्स में होते हैं वर्चुअल मशीन में होते हैं ठीक है थीके. अब आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनकी रेगुलर अपडेट्स जो है वो रिलीज होती रहती है राइट right. तो उसमें आपको क्या चाहिए कि वन वे कम्युनिकेशन चाहिए वन वे कम्युनिकेशन मतलब आपकी जो प्राइवेट वर्चुअल मशीन है जहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं ठीक है वो ऑटोमेटिकली आपके अपडेट होते रहे तो इसके लिए क्या चाहिए आपको वन वे कम्युनिकेशन चाहिए और वो वन वे कम्युनिकेशन क्या होगा आपका प्राइवेट आपके जो वर्चुअल मशीन है वो आपका इंटरनेट एक्सेस कर सके ठीक है इसका रिवर्स ट्रू नहीं नहीं होगा मतलब इंटरनेट से आप अपनी प्राइवेट वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पाओगे लेकिन आप अपनी जो वर्चुअल प्राइवेट सबनेट में है उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप इंटरनेट से आप कनेक्ट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूआरएल से या फिर किसी पर्टिकुलर आईपी से पोर्ट से आप कनेक्ट हो सकते हैं जस्ट टू अपडेट टेक द अपडेट फॉर सॉफ्टवेयर तो हम क्या कर रहे हैं नेट गेटवे क्यों यूज करते हैं अगर आपकी प्राइवेट वर्चुअल मशीन को इंटरनेट से कनेक्टिविटी हमें देनी है तो उसके हमें नेट गेटवे कॉन्फिगर करने पड़ते हैं एंड द लास्ट ऑप्शन इज एंड एंड तो क्या होता है आपका गेटवे से कनेक्टिविटी के लिए होता है ठीक है तो ये जो एस थ्री गेटवे होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आपका जब हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे या फिर गेटवे के बारे में पढ़ेंगे ठीक है एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि S3 जो आपका क्या है एक स्टोरेज ऑप्शन है एक ब्लॉक स्टोरेज है ठीक है नॉट नॉट ब्लॉक बट इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज ये क्या है आपकी ऑब्जेक्ट स्टोरेज है जिसमें कि आपका डेटा जो होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है ठीक है और इस ऑब्जेक्ट स्टोरेज को हम कहीं से भी किसी रीजन से भी कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं मतलब इसकी हेल्प से हम कहीं से भी डेटा जो है वो हम किसी भी रीजन में डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो एज ऑफ नाउ आप इतना समझ लीजिए कि ये एक किस्त्री गेटवे है एक एस्त्री स्टोरेज से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं जिसको कि हम किसी भी रीजन से कहीं से भी सेलेक्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी अपने कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए या अपलोड करने के लिए तो ये सारे ऑप्शंस कुछ क्रिटिकल ऑप्शंस हैं जो आपको चाहिए जब हम VPC क्रिएट करेंगे ओके फ्रॉम द क्लाउड मैनेजमेंट कंसोल, ओके तो फर्स्ट हमारा क्या था ऑप्शन था सेकंड हमारा क्या था नेम टैग था थर्ड हमारा साइडर ब्लॉक था वीपीसी के लिए ठीक है और जब हम टीनसी की बात करते हैं तो टीनेंसी में मैंने आपको बताया कि क्या होता है हमारी शेयर्ड और एक डेडिकेटेड इंस्टेंस होते हैं उसके बाद मैंने कहा कि नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होती हैं आपके उसके अंदर हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं उसके बेसिस पे आपके पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स कैसे क्रिएट होते हैं फिर हम इन पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स के जो साइडर्स हैं उनको अगर कस्टमाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं फिर नेट गेटवे क्या होता है एंड देन आपका वीपीसी एंड पॉइंट क्या होता है तो Thanks for watching this video and stay tuned for the next video.